की ओर बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम योगी का दो दिवसीय वाराणसी दौरा, प्रवासी सम्मेलन के कार्यक्रम स्थल का करेंगे निरीक्षण, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर, बैंक कर्मचारी कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, सरकार पर आरोपों की झड़ी। बिहार में एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर पेच बरकरार, लोक जनशक्ति पार्टी 7 सीटों की कर रही दावेदारी, लोजपा को 6 सीटों का तैयार हुआ है फॉर्मूला। और खबरों की ओर विस्तार से बढ़े उससे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं कानपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कानपुर से, बार चुनाव में संयुक्त मंत्री प्रकाशन के लिए संयुक्त मतगणना शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। ऋषभ अवस्थी 50 वोट से आगे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। ऋषभ अवस्थी 50 वोट से आगे चल रहे हैं एल्डर्स कमेटी। आपको बता दें कि एल्डर्स कमेटी मतगणना कर रही है, इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से। ऋषभ अवस्थी 50 वोटों से आगे चल रहे हैं कानपुर से, इस वक्त की बड़ी खबर एल्डर्स कमेटी मतगणना कर रही है। आपको बता दें कि ऋषभ अवस्थी 50 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कानपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, ऋषभ अवस्थी 50 वोटों से आगे चल रहे हैं एल्डर्स कमेटी, संयुक्त रूप से मतगणना कर रही है। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। बार चुनाव में संयुक्त मंत्री प्रकाशन के लिए मतगणना शुरू, ऋषभ अवस्थी 50 वोटों से आगे, सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, बड़ी खबर कानपुर से। बार चुनाव में संयुक्त मंत्री प्रकाशन के लिए मतगणना शुरू, ऋषभ अवस्थी 50 वोटों से आगे, सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। और अब खबरों की ओर बढ़ेंगे विस्तार से। कानपुर देहात की सेंगू नदी का पानी जहरीला हो गया है, यहां करीब दर्जनों भर गांव जहरीले पानी के कहर से जूझ रहे हैं। दरअसल सेंगू नदी के किनारे बसे मलासा ब्लॉक के हाजीपुर गांव के लोग बताते हैं कि सेंगू नदी के किनारे रेमकी नाम की एक कचरा फैक्ट्री है। ये फैक्ट्री पूरे यूपी की फैक्ट्रियों से कचरा लेती है और उस कचरे में कई केमिकल मिलाकर उसे नष्ट करके शुद्ध बनाती है, लेकिन उस कचरे को शुद्ध करने में जो जहरीला केमिकल वापस पानी निकलता है उसे नदी में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से नदी का पानी जहरीला हो गया है। गांव के जानवर कई बीमारियों से ग्रसित हैं, वहीं कई की मौत भी हो चुकी है। गांव के लोग इस पानी से नहा लेते हैं तो उनके पूरे शरीर में खुजली हो जाती है। इतनी समस्याओं के बावजूद सूचना के बाद भी कोई डॉक्टर गांव नहीं पहुंचा है और ना ही किसी अधिकारी ने इस समस्या पर ध्यान दिया है। वहीं डीएम ने बताया है कि मामला मीडिया के जरिए संज्ञान में आया है, टीम बनाकर इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो भी तथ्य आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है, इसके बारे में किसी अन्य स्रोत से या किसी प्रभावित व्यक्ति के द्वारा अभी तक मुझसे संपर्क नहीं किया गया है, इसलिए इसकी जानकारी मेरे पास नहीं थी। चूंकि आपके माध्यम से अवगत कराया गया है कि वहाँ पर उस पानी को पीने से किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, तो मेरे स्तर पर इस तथ्य की जाँच कराई जाएगी कि वहाँ पर जो पशुओं के अंदर या मनुष्य में अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी हो रही है तो उसका कारण क्या है, और इसमें जो चिकित्सा विभाग के लोग हैं उनको भी भेजेंगे और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लोग और प्रशासन के अधिकारी जाकर के इस बात को देखेंगे। झांसी पुलिस लाइन के पास बनाई जा रही सबसे ऊंची इमारत में कई खामियां देखने को मिली हैं और आलम यह है कि एसडीएम सदर ने फर्जी हस्ताक्षर के मामले में पुलिस कप्तान को पत्र लिखकर कॉलोनाइजर विनोद सोनी के खिलाफ नवाबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराना पड़ा, जिसमें तहसीलदार के फर्जी साइन मामले की जांच नवाबाद पुलिस कर रही है। हालांकि लिखित शिकायत मिलने के बाद डीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के निर्देश दे दिए हैं। एसडीएम को शिकायती पत्र देते हुए विनोद पुरी ने बताया कि ट्रस्ट की जमीन को गलत तरीके से
खरीदा बेचा जा रहा है। शिकायतकर्ता विनोद पुरी ने मीडिया को बताया कि मामले में बड़े पैमाने पर घोलमेल किया जा रहा है और इसकी शिकायत जन सुनवाई पोर्टल पर की गई है। आपको बता दें कि इसके बाद से लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्हें कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए थी तहसील स्तर से, जो कि शायद उन्हें प्राप्त हुई थी और उन्होंने नगर निगम को दिया था। नगर निगम ने ये हमें वापस भेजा कि ये अनापत्ति प्रमाण पत्र जो जारी हुआ है क्या आपके हस्ताक्षर से जारी हुआ है। तो जब हमने उसकी जांच कराई तो तहसीलदार के जो हस्ताक्षर थे वो फर्जी पाए गए। इसमें तहसीलदार ने अपना जवाब भी दिया कि ये उनका हस्ताक्षर नहीं है और इसके बेसिस पे मैंने कप्तान साहब को एक पत्र जारी किया था और नगर निगम को भी अवगत कराया कि ये जो हस्ताक्षर है तहसीलदार के नहीं है और उस पत्र के आधार पर शायद एक एफआईआर दर्ज की गई है। जहां पर एक बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें कि एक स्कूली बस जिसमें बच्चे सवार थे वो गड्ढे में पलट गई। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है इटावा से, जहां पर एक बड़ा हादसा होते होते बचा। इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, स्कूली बस गड्ढे में पलटी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इटावा से। डीसीएम की टक्कर से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलटी स्कूली बस। बस में सवार 5 बच्चों को मामूली चोट लगी। बस में कुल 25 बच्चे मौजूद थे। परिजनों को सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। थाना सिविल लाइन क्षेत्र विजयपुरा गांव की पूरी घटना, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टला। बच्चों को स्कूल लेकर जा रही रेडवुड पब्लिक स्कूल की बस गड्ढे में पलटी। डीसीएम की टक्कर से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलटी स्कूली बस। बस में सवार 5 बच्चों को मामूली चोट लगी। बस में 25 बच्चे मौजूद थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इटावा से, जहां बड़ा हादसा होते होते टला। इस वक्त की बड़ी खबर इटावा से, बच्चों को स्कूल लेकर जा रही रेडवुड पब्लिक स्कूल की बस गड्ढे में पलटी। डीसीएम की टक्कर से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलटी स्कूली बस। बस में सवार 5 बच्चों को मामूली चोट लगी। बस में 25 बच्चे मौजूद थे। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद में डीएम मोनिका रानी ने तहसील में निरीक्षण किया है और इस दौरान तहसील सदर में कर्मचारियों की लापरवाही की पोल खुल गई। डीएम ने तहसीलदार पवन कुमार की अदालत से निरीक्षण की शुरुआत की। उसके बाद सभी कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां लगभग सभी कार्यालय में अव्यवस्थित ढंग से रखी गई फाइलों को देख कर नाराज हुई और तहसीलदार को जमकर फटकार भी लगाई और कहा कि तुम कुछ देखते हो, तुम्हारा कर्मचारियों पर कोई अंकुश नहीं है। आज विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया गया था, न्यायालयों का निरीक्षण किया गया था, वसूली वाले पटल का निरीक्षण किया गया था, जहां से खतौनियां जारी होती हैं उसका निरीक्षण किया गया था और जो अन्य सामान्य कामकाज है उसका निरीक्षण किया गया था। इसमें काफ़ी जो लिपिक है उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। जो भी काम था वो अद्यतन नहीं था, तो उसके लिए जो है काफ़ी लिपिक यहाँ पे प्रतिकूल प्रविष्टि आज पाए हैं और खतौनी जो गांव हमारे चकबंदी से बाहर आए हैं उनका सत्यापन करने के लिए कहा गया है और जो एक देरी हो जाती है न्यायालय से आदेश जारी होने में और खतौनी पे आदेश आने में, तो उसमें भी जिम्मेदारी तय की गई है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, कहीं मत जाएगा, जल्द हाजिर होंगे। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप। पिक्चर देखने चलोगी? ना बाबा, सर और बदन में दर्द है। ये लो अजूबी। अजूबी दर्द भगाए, आराम पहुंचाए। अजूबी कमाल की अजूबी। स्त्रियों के सौंदर्य एवं स्वास्थ्य के लिए टेक्नोफार्म का शी केयर सिरप, स्त्रियों के मुश्किल दिनों का साथी शी केयर सिरप।
2 और 3 की अपार सफलता के बाद एक बार फिर से मर्तोलिया बिल्डर्स लेकर आए हैं इंदिरा गांधी प्लॉट योजना। 100 वर्ग गज का प्लॉट बाय मात्र 2,45,000 रुपए में आसान किश्तों में उपलब्ध। हमसे सस्ता कोई नहीं। मर्तोलिया बिल्डर्स का सपना अब घर हो अपना। कुछ भी करें आपकी परेशानी का होगा हल। बड़ा से बड़ा अपराध करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज और उन्हें सजा न दी जाए। देखते रहिए पब्लिक फोरम सिर्फ जेएमडी न्यूज पर डॉक्टर रमेश वर्मा के साथ। गॉसिप्स के गलियारों का हाल, फिल्मी सितारों की हर वो बात, पर्दे के पीछे की कहानी, हम लाएंगे सिनेमा की जुबानी सिर्फ खबर फिल्मी का। देखिए शाम 4:30 बजे सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज, आम जन की आवाज। Media has changed and so is the tool. आप सभी का स्वागत है। इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर कल्याणपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से कल्याणपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर से कल्याणपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पनकी रोड चौकी इंचार्ज ने 2 शातिर चोरों को पकड़कर करीब आधा दर्जन मोटरसाइकिल बरामद की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर से शातिर चोर मास्टर चाबी से गाड़ी के लॉक खोलकर कानपुर देहात सहित कई जनपदों में गाड़ियां बेचा करते थे। सीओ कल्याणपुर राजेश कुमार पांडे द्वारा कुछ ही देर में किया जाएगा घटना का खुलासा। बड़ी खबर कानपुर से कल्याणपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। बड़ी खबर कानपुर से कल्याणपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पनकी रोड चौकी इंचार्ज ने 2 शातिर चोरों को पकड़कर करीब आधा दर्जन मोटरसाइकिल बरामद की। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल सैनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मैं पूछना चाहूंगी, क्या कुछ सफलता मिली है कल्याणपुर पुलिस को? अनिल पूछना चाहूंगी, क्या कुछ सफलता मिली है कल्याणपुर पुलिस को? घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र की है। यहाँ कल्याणपुर पुलिस को और पनकी रोड चौकी प्रभारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह को एक बड़ी सफलता मिली। यहाँ मुखबिर की सूचना पर 2 वाहन चोर पकड़े गए, जिनसे घंटा से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने 5 वाहन गाड़ियां बरामद करवाई और ये गाड़ियां जो है चोरी करके एक कानपुर देहात सहित कई जनपदों में बेचने का काम करते थे। जी पूछना चाहूंगी कि बताया गया है आपसे कुछ ही देर में पुलिस विभाग की ओर से इस पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा, क्या कुछ वक्त बचा है?
जी आपको बता दें कुछ ही देर बाद में सीओ कल्याणपुर राजेश कुमार पांडे द्वारा घटना का अनावरण किया जाएगा। आपको बता दें जब इनसे पूछताछ आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये मास्टर चाबी बनाकर सिर्फ स्प्लेंडर गाड़ियों को अपना टारगेट बनाते थे, क्योंकि ये गाड़ियां स्प्लेंडर गाड़ियों की एक मास्टर की बनाते थे और वह गाड़ियां आराम से लॉक उनका टूट जाता था और उसको आसानी से खोल के ये जो है कानपुर देहात सहित कई जनपदों में इनको ले जाकर बेचने का कार्य करते थे। जी शुक्रिया अनिल आपका हमसे बातचीत के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे कानपुर से, जहाँ पर कल्याणपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, पनकी रोड चौकी इंचार्ज ने दो शातर चोरों को पकड़कर करीब आधा दर्जन मोटरसाइकिल बरामद की। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जालौन जिले के विकास भवन में ग्राम स्तर पर चल रही पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन और उसके क्रियान्वयन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें हर ग्राम सभा में ग्राम पंचायत जल प्रबंध समिति का गठन कर सही ढंग से पेयजल परियोजना को संचालित करने का दायित्व बताया गया है। इस बैठक में प्रधानों ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर चल रही पेयजल परियोजनाओं की दुर्दशा बहुत खराब है, मेंटेनेंस नहीं होने से कई बंद भी हो चुकी है। जो चालू हालत में है उसमें लीकेज और फंड की कमी के चलते जल्द बंद होने की कगार पर है। डीएम ने बताया है कि ग्राम जल प्रबंधन समिति की बैठक की गई, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर उपभोक्ताओं से वाटर टैक्स वसूलने से लेकर उसका सही ढंग से चलाने के लिए बातें बताई गई हैं। मुख्य रूप से जो पाइप पेयजल योजनाएं गाँव पंचायतों में चल रही है, चाहे वो हैंड ओवर हो चाहे जल निगम द्वारा चलाई जा रही है, अभी तक 17 पाइप पेयजल योजनाएं जल निगम द्वारा चलाई जा रही हैं और 30 गांव पंचायत द्वारा चलाई जा रही हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी नियमित कनेक्शन नहीं लिए गए हैं और जो कनेक्शन लिए भी गए हैं उनमें यूजर चार्ज बहुत कम वसूल हो रहा था। जालौन जिले में 8 महीने पहले हुए 2 साल की बच्ची से रेप के मामले में जिला न्यायालय उरई ने फैसला सुनाया है और अभियुक्त को दोषी मानते हुए 51,000 रुपए जुर्माने के साथ ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पूरा मामला कोटरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सहजन नगर गांव का है, जहां अभियुक्त राहुल ने 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में की, जिसके बाद अभियुक्त के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए 51,000 रुपए का जुर्माने के साथ ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई। ये घटना आज से 8 माह पहले 21/4/2018 की है। ये घटना सैदनगर गांव कोटरा थाने की है। घटना वाले दिन इसमें पीड़िता को अभियुक्त राहुल उसकी माँ से ये कह के ले गया कि भाभी इसको दे दो, हम कन्या खिलाने के लिए उसको ले जा रहे हैं। तो उसकी माँ ने बच्ची को दे दिया। जब 1.5 घंटे के लगभग वो लड़की वापस नहीं आई, वो अभियुक्त उसको छोड़ने नहीं आया, तो माँ को चिंता हुई। तो माँ को चिंता हुई तो माँ उसको खोजने के लिए निकली, पीड़िता अभियुक्त के घर गई। तो देखा कि अभियुक्त उसको 2 साल की बच्ची को नीचे चारपाई पे लटा के नग्न अवस्था में उसके साथ बलात्कार कर रहा था। तो माँ चिल्लाने पर उसके बाबा पीड़िता के बाबा आ गए, तो उसने अभियुक्त को ललकारा तो वह भाग गया। इस घटना की शिकायत पीड़िता के पिता ने थाना कोटरा में की थी। लड़की का चिकित्सीय परीक्षण हुआ, मेडिकल एविडेंस के आधारों पे और चश्मदीद साक्षी के आधारों पे न्यायालय एडीए फर्स्ट श्री चंद्रपाल सिंह जी ने अभियुक्त को आजीवन कारावास से दंडित किया है और 51,000 रुपये भी मूल्य पे अर्थदंड लगाया है। और अगली बड़ी खबर आपको कानपुर से बताते हैं, जहां पर व्यापारी ने गंगा में छलांग लगाई। अभी तक व्यापारी का कोई भी सुराग नहीं मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, व्यापारी ने गंगा में छलांग लगाई। बड़ी खबर कानपुर से, व्यापारी ने गंगा में लगाई छलांग, अभी तक नहीं मिला है व्यापारी का कोई भी सुराग। कोहना थाना क्षेत्र के गंगा बैराज में काकादेव के व्यापारी नवीन सिंघल ने गंगा में छलांग लगाई। गेट नंबर 6 से सुबह 4 बजे गंगा में कूदकर छलांग लगाई। गेट नंबर 6 से सुबह 4 बजे गंगा में कूदकर छलांग लगाई। व्यापारी की I-10 कार मौके से मिली है पुलिस को। परिजन मौके पर मौजूद, अभी तक नहीं मिला व्यापारी का कोई भी सुराग। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर,
गोहना थाना क्षेत्र के गंगा बैराज में काकादेव के व्यापारी नवीन सिंघल ने गंगा में छलांग लगाई। गेट नंबर 6 से सुबह 4 बजे गंगा में कूदकर छलांग लगाई। व्यापारी को आपको बता दें कि पुलिस को व्यापारी की आई टेन कार मौके से मिली है। परिजन मौके पर मौजूद हैं पर अभी तक व्यापारी का कोई भी सुराग नहीं लगा है। बड़ी खबर कानपुर से, और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमन तिवारी फोन लाइन पर हैं। अमन, पूछना चाहूंगी क्या कुछ है पूरा मामला, क्या अब तक व्यापारी का कुछ भी पता चला? जी बिल्कुल, मैं आपको दर्शकों पूरा मामला कोना थाना क्षेत्र गंगा बैराज का है, जहाँ एक व्यापारी ने सुबह 4 बजे के आसपास गंगा में छलांग लगा दी है। फिलहाल जो व्यापारी की जो कार है वो पुलिस को मौके से बरामद हुई, उसी से उसकी शिनाख्त हुई है। फिलहाल व्यापारी का अभी कोई सुराग नहीं लग पाया है। परिजनों का क्या कुछ कहना है व्यापारी के इस पूरे मामले पर? किसी प्रकार की कोई समस्या थी व्यापारी के साथ में? आखिर क्या कारण हो सकता है सबके पीछे? जी बड़ा सवाल है, मैं आपको बता दूं परिजन अभी भी जो है कुछ बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल परिजन और पुलिस की जो टीमें हैं मौके पर मौजूद हैं, लगातार जो है व्यापारी की तलाश की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि व्यापारी का सुराग लगने के बाद ही कोई बात की जा सकेगी। शुक्रिया अमन हमसे बातचीत के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर व्यापारी ने गंगा में कूदकर छलांग लगाई। इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से। और फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार। Media has changed and so